नमस्कार साथियों आज है थर्टी ऑफ सेप्टेम्बर और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबली कवर करते हैं यानी कि द हिंदू एडिटोरियल में जो भी इंपॉर्टेंट वोकेब्स होते हैं उसे विथ पिक्चर एंड एनिमेशन कवर कराया जाता है तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं उससे पहले वीडियो लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर पी आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं और इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी फॉलो कर लीजिएगा तो आइए देखते हैं आज का इंपॉर्टेंट वर्ड फर्स्ट वर्ड है रामपंथ रामपंथ की बात करें तो ये एक एडजेक्टिव है रामपंथ क्या है एक एडजेक्टिव है और ऐसा नहीं है कि पहली बार ये वर्ड यूज यहाँ पे कराया जा रहा है बहुत बार ये अगर सेशन आप अगर शुरू से देख रहे हैं तो ये वर्ड आपको इजिली याद भी होगा अच्छी तरह से क्योंकि इसको ट्विथ ट्रिक कराया गया था तो इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग हो जाता है एग्जिस्टिंग और स्प्रेडिंग एवरीवेयर इन ए वे डैट कैन नॉट बी कंट्रोल यानी कोई चीज़ जो एग्जिस्ट कर रहा हो लेकिन फैल गया हो चारों तरफ इतना ज़्यादा फैल गया हो कि उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो गया ठीक है जैसे क्या हुआ था कि जो कोरोना वायरस हुआ था इतना ज़्यादा फैल गया था कि उसको कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया था ऑल ओवर द वर्ल्ड में तो रामपंथ का हिंदी मीनिंग क्या होता है अनियंत्रित यानी कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा ही फैल गया है जिसको कंट्रोल करना मुश्किल है तो अनियंत्रित बोल सकते हैं जिसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते तो सीनानेम्स की बात करें तो अनकंट्रोल्ड अनचेक्ड अनरिस्ट्रेंड या फिर वायलेंट ये सब क्या हो जाएंगे इसके सियोनियम्स हो जाएंगे जैसे यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर के थ्रू भी दिखाया गया है कि यहाँ पे सब कुछ फैला हुआ है मतलब अलग अलग लोग -अलग, अलग अलग फैले हुए हैं उनको कंट्रोल करना मुश्किल है ठीक है तो वर्ड क्या हो गया रामपंथ अगर इसको याद रखना होगा तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो रो रा, राम का हॉर्स है ठीक है वो रामपंथ है यानी कि अनकंट्रोल्ड हो गया ठीक है तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिक तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा फर्स्ट वर्ड देखते हैं सेकेंड वर्ड सेकेंड वर्ड एंटीसिपेड anticipate का मीनिंग देखें अगर देखिए ये यहाँ पे एक भर है जिसका मीनिंग होता है टू एक्सपेक्ट समथिंग यानी किसी चीज़ को एक्सपेक्ट करना आशा करना उम्मीद करना यानी कि पूर्वानुमान करना पहले ही उसके बारे में बता देना कि ये चीज़ हो सकता है अनुमान लगा देना ठीक है कि मे बी ये चीज़ हो सकता है हम लोग बहुत सारी चीज़ में नहीं होता कि हम लोग पहले ही अनुमान लगा लेते हैं कि ये नहीं होगा ये हो सकता है तो वही एंटीसिपेट यानी कि पहले ही किसी चीज़ का अनुमान लगा देना पूर्वानुमान करना सिनोनेम्स की बात करें तो प्रेडिक, प्रेडिक्ट प्रेडिक्ट अब जानते हैं प्रेडिक्शन जैसे प्रेडिक्शन में हम लोग मैच में क्या करते हैं जब क्रिकेट मैच होता है प्रेडिक्शन कर देते हैं कि ये लचक का चौका आउट ये सब तो वही एंटिसिपेट हो गया ठीक है तो फोरटेल की बात करें सॉरी फोरटेल हो जाएगा फोरकास्ट हो जाएगा एवेट हो जाएगा ये सब क्या हो जाएंगे इसके सीनोनेम्स हो जाएंगे ठीक है जैसे ये क्या कर रहा है कि किसी चीज़ से देख के अनुमान लगाने का कोशिश कर रहा है इंसान तो पिक्चर के थ्रू आप इजली आइडेंटिफाई कर सकते हैं वर्ड को अब देखते हैं थर्ड वर्ड थर्ड वर्ड क्या है देखिए लास्ट में टीवाई आ रहा है तो वर्ड के अगर लास्ट में टी वाई देखे तो आप उसको नाउन कंसिडर कर लीजिएगा ठीक है क्योंकि नाउन ये जो टी वाई होता है ये नाउन सफिक्स होता है यानी कि जो भी नाउन होता है जो भी वर्ड जिसके लास्ट में टी वाई देखेंगे वो नाउन हो जाएगा तो इथनी सिटी क्या हो गया एक नाउन हो गया जिसका मीनिंग होता है द फैक्ट ऑफ बिलोंगिंग टू ए पर्टिकुलर इथनिक ग्रुप ए ग्रुप ऑफ पीपुल डेट सीयर ए कल्चरल यानी कि जो मतलब एक पार्टिकुलर ग्रुप के लोग ठीक है जो क्या कर रहे हैं अपना जो कल्चर है ठीक है वो एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं ठीक है यानी कि इथनीसिटी उसको बोल सकते हैं तो जातीयता बोल सकते हैं यानी कि जो एक ही ग्रुप के लोग होते हैं वो क्या होते हैं अलग मतलब कास्ट वाइज ही रहते हैं ना तो वो अपना सब कुछ कल्चर जो एक जाति के लोग होते हैं उनका अलग अलग जाति का अलग अलग कल्चर होता है तो वही इथनीसिटी हो सकता है सिनोनेम्स की बात करें तो नेशनलिस्टी रेस आइडेंटिटी या फिर ओरिजिन हो जाएगा ये सब क्या 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 जाएंगे इसके सीनोनेम्स जाएंगे यानी कि इनका भी मीनिंग सेम होता है जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर में दिखा देख सकते हैं यहाँ पे एक ग्रुप का दिखाया गया है यानी कि ये क्या है इथनीसिटी हो गया तो आई होप समझ गए होंगे थर्ड वर्ड चलते हैं फोर्थ वर्ड की तरफ फोर्थ वर्ड है एल्यूजिव एल्यूसिव की बात करें तो एक एडजेक्टिव है एल्यूसिव क्या है एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है डिफिकल्ट टू फाइंड डिफाइन और एयचीव मतलब कोई ऐसा चीज़ जिसको खोजना उसके बारे में डिफाइन करना क्या मुश्किल हो तो उसको एल्यूजि बोलेंगे यानी कि दुष्प्राय इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा क्या हो जाएगा दुष्प्राय सिनोनिम्स की बात करें तो सबटल इवेसिव फ्लीटिंग या फिर इक्वी वोकल सब क्या हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे तो वर्ड इल्यूसिव है जिसका मीनिंग दुष्प्राय होता है और सिनोनिम्स की बात करें तो सबटल इवेसिव फ्लीटिंग या फिर इक्वी वोकल हो जाएगा नेक्स्ट वर्ड है डिवास्टेटेड डिवास्टेटेड भी बहुत बार रिपीट हुआ है तो डिवास्टेटेड का अगर देखें तो ये एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है एक्सट्रीमली अपसेट एंड शॉकड यानी कि कोई लोग जो बहुत ज्यादा सॉक्ड है अचंभित है या फिर अपसेट है यानी कि दुखी है तो उसको डिवास्ट्रेटेड बोल सकते हैं ठीक है स्तब्ध बोल सकते हैं यानी कि वो बेचारा स्तब्ध है चुपचाप बैठा हुआ है कहीं पे तो सीनोनेम्स की बात करें तो सीनानेम्स क्या हो सकता है सेटर्ड हो सकता है रियूंड हो सकता है डिसोलेट डिस्ट्रॉयड ये सब क्या जाएंगे इसके synonyms हो जाएंगे जिसे देख सकते हैं ये बंदा क्या है काफ़ी ज़्यादा अपसेट दिख रहा है ठीक है पिक्चर में अब इसके साथ पता नहीं क्या है कोई दिक्कत हुआ होगा मान लीजिए हमारे साथ कोई प्रॉब्लम होती है तो हम क्या होते हैं बहुत ज़्यादा डिवास्टेटेड हो जाते हैं नहीं कि सॉफ्ट हो जाते हैं अपसेट हो जाते हैं तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं नेक्स्ट वर्ड है विगोरस विगोरस एक एडजेक्टिव है ठीक है विगोरस यहाँ पे क्या है एक एडजेक्टिव है क्योंकि इसके लास्ट में ओ यूएस आ रहा है वर्ड क्लास्ट में ओ यूएस आए तो उसे क्या करेंगे एडजेक्टिव आइडेंटिफाई करेंगे क्योंकि लास्ट में ओ यूएस आए और ओ यूएस क्या होता है एक एडजेक्टिव सफिक्स होता है तो वीगोरस का मीनिंग होता है वेरी एक्टिव डिटरमाइंड और फुल ऑफ एनर्जी मतलब बहुत सारे बंदे को आप देखे होंगे जो अपने काम को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हैं डिटरमाइंड होते हैं और हमेशा एनर्जेटिक ही दिखाई देंगे चाहे वो सुबह से लेके शाम तक तो काम करें लेकिन कभी भी उनको थकावट उनके चेहरे पर नहीं दिखता है तो उनके लिए वीगोरस वर्ड यूज कर सकते हैं ठीक है थीके? जिसका हिंदी मीनिंग जोरदार होता है ठीक है सिनोनेम्स की बात करें तो एनर्जेटिक स्ट्रॉन्ग रोबस्ट डाइनेमिक ये सब क्या हो जाएंगे इसके सिनोनेम्स हो जाएंगे देखिए पे पिक्चर में दिखाया गया है ठीक है तो वीगोरस देखिए इस तरह आप इसको याद रखना होगा तो विराट कोहली से रिलेट कर सकते हैं कि विराट कोहली क्या है एक विगोरस प्लेयर है यानी कि इनर्जेटिक प्लेयर है जो हमेशा ही दिखाई देते हैं ग्राउंड में अगर आते हैं तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं अब देखते हैं नेक्स्ट क्या नेश्ट है नेक्स्ट है लेवरेज लेवरेज की बात करें तो एक नाउन है लेवरेज क्या है एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस व्हाट पीपल डू यानी कि ऐसी योग्यता आपके अंदर कैपेबिलिटी जो मतलब इन्फ्लुएंस करे लोगों को कुछ करने के लिए यानी कि शक्ति ठीक है लीवरेज मतलब शक्ति बोल सकते हैं सिनोनिम्स की बात करें तो क्लाउड इन्फ्लुएंस वेट या फिर अथॉरिटी ये सब क्या हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे तो वर्ड क्या है लिवरेज या पिक्चर के थ्रू भी आप देख सकते हैं जो जो एक लिवरेज क्या है एक नाउन है ठीक है जिसका मीनिंग होता है शक्ति सिनोनिम्स क्लाउड इन्फ्लुएंस वेट या फिर ऑथोरिटी हो जाएगा अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड नेक्स्ट वर्ड क्या है इंस्टिगेट इंस्टिगेट की बात करें तो एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू मेक समथिंग स्टार्ट और हैपन यूजुअली समथिंग ऑफिशियल यानी किसी चीज़ को ऑफिशियली स्टार्ट करना ठीक है तो उकसाना बोल सकते हैं इंस्टिगेट मतलब उकसाना या फिर उसको इनिशिएट कर देना ठीक है तो सिनेम्स की बात करें तो प्रोभोक इनिशिएट इंसाइट या फिर प्रोम बोल सकते हैं ठीक है तो वर्ड क्या हो गया इंस्टिगेट तो इसको आप लोग गेट से याद रख सकते हैं कि गेट पे लोगों को इंस्टिगेट कर दिया गया यानी कि उकसा दिया गया भड़का दिया गया तो इस तरह आप इसको याद भी रख सकते हैं तो वर्ड क्या हो गया इंस्टिगेट जिसका मीनिंग होता है प्रोभोक इनिशिएट या फिर इंसाइट या प्रोम्ट हो जाएगा नेक्स्ट वर्ड है परसुएड परसुएड मतलब तो आपको पता ही है बहुत बार ये बताए हैं तो देखिए एक भर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू मेक समबड़ी टू डू समथिंग बाई गिविंग देम गुड रीजन फॉर इट यानी किसी को कुछ करने के लिए एक अच्छा रीज़न बता देना मान लीजिए कि अगर बच्चे नहीं पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको एक अच्छा रीज़न बताइए कि हाँ अगर अब तुम तु, पढ़ोगे तो तुम लाइफ में ये करोगे ठीक है अब मतलब एक अच्छे रैंक पे जाओगे अच्छा तुम्हारा जॉब मिलेगा तुम्हें कभी किसी चीज़ की दुख नहीं होगी तो इस तरह मतलब अगर आप अच्छा रीजन बताएंगे तो वो इंसान चाहेगा कि हाँ हम इसको मतलब पढ़ाई करें अच्छा काम करें मतलब कोई भी काम करने के लिए कुछ अच्छा रीजन बता के उससे काम कराना यानी कि मनाना मना के उसको काम कराना सिनोनेम्स की बात करें तो कन्विंस कॉक्स इन्फ्लुएंस या फिर इंड्यूसमेंट ये सब क्या हो जाएंगे इसके सिनोनेम्स हो जाएंगे तो वर्ड क्या है परसुएड जो एक भर्व है जिसका भी नहीं होता है मनाना किसी को कुछ करने के लिए मनाना ठीक है नेक्स्ट वर्ड है रिवर्ब्रेशन देखिए लास्ट में आई ओ एन आ गया तो रिवर्ब्रेशन के लास्ट में आई ओ एन आए डेट्स फाई ये क्या है एक नाउन है इसके मीनिंग की बात करें तो मीनिंग हो जाएगा ए लाउड नोटिस डेट कंटिन्यूज फॉर सम टाइम्स आफ्टर इट है आफ्टर इट हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ द सर्फेस अराउंड इट देखिए एक लाउड मतलब बहुत तेज आवाज ठीक है हल्ला गुला डेट कंटिन्यू फॉर सम टाइम जो काफी देर तक कंटिन्यू हो ठीक है तो उसको रिवर्वरेशन बोल सकते हैं ठीक है यानी कि इसका मीनिंग होता है प्रतिध्वनि जैसे हम लोग चिल्लाते हैं तो देखिए अगर अंदर एक खाली रूम में चिल्लाएंगे तो क्या होगा हमारा साउंड जो होगा क्या होगा गूंजेगा ठीक है तो उसको ही रिवरेशन बोलते हैं आप ऐसे देखेंगे अगर आप किसी एक खाली रूम में जाएंगे जहाँ पर कुछ नहीं रखा होगा बस ऐसे ही खाली हो उसमें ना बेड लगा हो ना कुछ भी और उसमें एक बार आप ऐसे बोलेंगे तो एकदम चारों तरफ आपका आवाज़ गूंजेगा उसको ही रिवर्वरेशन बोलते हैं ठीक है तो सिनोनिम्स की बात करें तो इको इम्पैक्ट आफ्टर मार्थ या फिर बैक्स रेस हो सकता है इको तो आप जानते हैं एक बार हेलो 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 इस तरह होता है जो उसको इको बोलते हैं यानी कि जो आपका साउंड है वो थोड़ा थोडा टाइम बाद दो चार बार सुनाई दे ठीक है तो वो रिवर्बरेशन हो जाएगा तो देखिए चलिए एक आपके लिए क्वेश्चन है फिजिक्स का क्वेश्चन ये है कि मतलब मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए एक इक इको सुनने के लिए ठीक है मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए एक मतलब इको सुनने के लिए ये आपको बताना है कमेंट सेशन में आप जहाँ से भी आंसर पता करके कमेंट सेशन में जरूर कमेंट करेंगे ठीक है तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में जय हिंद